मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां इनामी अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश राजू घायल हो गया है। इनामी बदमाश राजू यादव की पैर में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हुआ है। बदमाश सोनू और रतनवीर भी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि पकड़े गए तीनों बदमाश 25,000 रुपए के इनामी हैं। वहीं इन इनामी बदमाशों ने भी इंस्पेक्टर पर गोलियां दागी। इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 गोलियां लगी है, लेकिन हमले में बाल बाल इंस्पेक्टर दन्नाहार बच गए हैं। वही बदमाशों से 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। बदमाशों से 1,10,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। ये मुठभेड़ दन्नाहार मैनपुरी पर हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिव कुमार, चलते हैं उनके पास। जी बताइए शिव कुमार, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, पूरा मामला दन्नाहार थाने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश राजू घायल हो गया है। इसका पहले से ही आपराधिक हिस्ट्री सीतर है ये, और इसके साथ 2 साथी और थे, सोनू और रतनवीर। ये भी पुलिस ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुठभेड़ में थाना दन्नाहार के इंस्पेक्टर को 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। आरोपियों के पास से 3 तमंचे और 1,10,000 रुपये भी बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपी 25,000 के इनामिया घोषित हैं। ये जो मुठभेड़ हुई है वो थाना दन्नाहार के दन्नाहार मैनपुरी मार्ग पर हुई है।